नमस्कार, राधा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपको बिल्कुल मछली के स्वाद वाला कच्चे केले की सब्जी बनाना सिखाएंगे। एक बार आप इस तरह से कच्चे केले की सब्जी बनाकर देखिए, खाने वाला समझ नहीं पाएगा कि यह मछली है या कच्चे केले की सब्जी। तो चलिए केले की सब्जी बनाते हैं। कच्चे केले की सब्जी बनाने के लिए मैंने लिया है कच्चा केला, जिसको धोकर अच्छी तरह से साफ करके लिया है। दो मीडियम साइज का प्याज छिलकर बड़े टुकड़ों में काट लिया है। 15-20 कली लहसुन, एक बड़ा टुकड़ा अदरक जिसको छोटे टुकड़े में काट लिया है, बेसन, सब्जी बनाने के लिए तेल, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, नमक, दही, 2 साबुत लाल मिर्च, 1 तेज पत्ता, मेथी दाना, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो चलिए कच्चे केले की सब्जी बनाते हैं। अब सबसे पहले केले को छीलकर काट लेंगे। तो पहले इस तरह से काटकर ये हिस्सा निकाल देंगे और इसको 2 टुकड़े में ऐसे काट लेंगे और इस तरह से आप केले से छिलका उतार लीजिए। बड़ी आसानी से उतर जाता है। और अब छीलने के बाद बीच से ऐसे 2 पार्ट में बांटेंगे और इसको इस तरह से लंबा लंबा काटेंगे। इस तरह से इसको भी काट लेते हैं इस तरह। अब इस तरह से केले को काटने के बाद इसको पानी में डालते जाएंगे। सभी केलों को काटकर ले लिया है, आप देख सकते हैं हमने इस तरह से काटा है। इस तरह से केले को अगर काट कर आप सब्जी बनाएंगे तो आपकी सब्जी बिल्कुल मछली की तरह लगेगी। तो चलिए अब हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। केले को पानी से निकालकर एक बोल में ले लिया है। अब हम उसमें डालेंगे 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और ये 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच नमक। अब हम सारी सामग्री को मिला लेंगे। इस केले को अच्छी तरह से मैरिनेट करना है, तो यह सारी सामग्री को केले में अच्छी तरह से लगा देना है। केले में सारी सामग्री को अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हम इसको ढक देंगे और 10 मिनट के लिए रहने देंगे। अब लेंगे एक दूसरा बोल और उसमें डालेंगे ये बेसन और ये 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर और ये 1/2 चम्मच नमक और ये 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब सारी सामग्री को बेसन में अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसको भी मिलाकर रख देते हैं और अब ये लहसुन, प्याज और अदरक इसको पीसकर इसका पेस्ट बना लिया। प्याज, लहसुन और अदरक को पीसकर फाइन पेस्ट बना लिया है और अब इस केले को मैरिनेट किए हुए 10 मिनट हो गया है। अब हम इस केले का ये पीस ऐसे उठाएंगे और ऐसे बेसन में लगा देंगे इस तरह से। इसी तरह से सारे पीस को बेसन में लपेटेंगे। सारे केले के पीस को बेसन में लपेट लिया है। अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। केले को फ्राई करने के लिए हमने तेल गरम कर लिया है। तेल हमारा अच्छी तरह से गरम है। अब हम एक एक पीस डालकर इसको फ्राई करेंगे। केला हमारा फ्राई हो गया है, आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं और बाकी सारे केलों को इसी तरीके से फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं इसको, सारे केले को फ्राई कर लिया है। अब हम सब्जी बनाएंगे। सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में तेल ले लिया है। अब हम उसमें डालेंगे 1/2 चम्मच मेथी दाना और ये 2 साबुत लाल मिर्च और 1 तेज पत्ता। और अब डालेंगे अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट। और मिक्सी के जार को धुलकर थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है। अब हम इस प्याज, लहसुन और अदरक के पेस्ट को थोड़ी देर भून लेंगे। इस पेस्ट को 3-4 मिनट भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे बाकी मसाले
तो सबसे पहले आधा चम्मच मिर्ची पाउडर और ये एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला और ये एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब सभी मसालों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। और अपने गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर मसालों को ढककर अच्छी तरह से भूनेंगे। अब आप देख सकते हैं मसाले हमारे भुन गए हैं, मसालों से तेल आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे ये दही। दही को हमने अच्छी तरह से फेंट कर डाला है इसमें और अब इसको लगातार चलाते हुए एक मिनट और भून लेंगे। अब मसाले हमारे भुन गए हैं, अब हम इसमें डालेंगे आवश्यकता अनुसार पानी, जितना ग्रेवी आपको चाहे उसके हिसाब से पानी ऐड करिए। और अब इस ग्रेवी में एक उबाल आने देंगे। आप देख सकते हैं ग्रेवी में अच्छी तरह से उबाल आने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे ये फ्राई किया हुआ केला और केले को ग्रेवी के साथ मिला लेंगे। और अपने गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर केले को ग्रेवी के साथ 5 मिनट पकने देंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल मछली के कलर और टेस्ट वाला केले का सब्जी बनकर तैयार है। अब हम इसको सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। सब्जी को हमने एक सर्विंग बोल में निकाल लिया है। अब हम ऊपर से डालेंगे ये धनिया की पत्ती। और आप देख सकते हैं केले का सब्जी बनकर तैयार है। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करिए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस केले की सब्जी को एक बार जरूर ट्राई करिएगा, यह बहुत ही टेस्टी बनता है, बिल्कुल मछली के स्वाद जैसा।